वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश रो गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा, व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग। सॉरी, सो ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन एवं माइंड मैपिंग विषय चाहते डिस्कस करवा। फर्स्ट आम डिस्कस करवा ब्रेन स्टॉर्मिंग विषय। अच्छा, सो ब्रेन स्टॉर्मिंग रो गोटे तार साइड लिखी डिस्कसन कहीं लास्ट जानवे। अच्छा देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो स्टॉर्म गोटे वर्ड अच्छे, तो स्टॉर्म रो मीनिंग आप जानते हैं झड़। सो एठी ब्रेन को झड़ सहित कहीं रिलेट कराई। देखो एठी स्टॉर्मिंग मान हूँ डिस्कसन, तो जत्ते बेले एक रु अधिका ब्रेन जत्ते बेले गोटे जगार गोटे गैदरिंग होगी, जत्ते बेले गोटे पर्टिकुलर टॉपिक को टॉपिक ऊपर डिस्कसन चलती है कहीं गोटे प्रॉब्लम को समाधान करने, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, टू सेटल ए प्रॉब्लम, गोटे प्रॉब्लम को समाधान करने जो डिस्कसन चले, द डिस्कसन दैट गोज ऑन टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। गोटे प्रॉब्लम को समाधान करने जो स्टॉर्म ब्रेन मीन से लोक मान जो गोटे डिस्कसन हुए दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा मुझे गोटे आइडिया देदेली आपको, बर्तन चलो पढ़िया। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ मेथड ऑफ जेनरेटिंग आइडियाज एंड शेयरिंग नॉलेज टू सॉल्व ए पर्टिकुलर कमर्शियल और टेक्निकल प्रॉब्लम। जे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहला कौन ना, यहाँ गोटे हूँ गोटे कमर्शियल प्रॉब्लम हो और गोटे टेक्निकल प्रॉब्लम हो, ताकु समाधान करने सॉल्व करने जो आइडिया एवं जो आइडिया एवं जो नॉलेज को शेयर करा जाए जेनरेट करा जाए दैट इज से मेथड को कहे ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा, इन ह्विच पार्टिसिपेंट्स आर एनकरेज टू थिंक विदाउट इंटरप्रिटेशन, मीन्स जो ठारे कि समस्त पार्टिसिपेंट मैंने बिना इंटरप्ट होने पार्टिसिपेट करती और जो मतामत को जो थॉट प्रोसेस को शेयर करती कहीं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए ग्रुप एक्टिविटी, गोटे ग्रुप एक्टिविटी कहली समस्ते गैदरिंग रही था, व्हेयर इच पार्टिसिपेंट्स शेयर्स देयर आइडियाज एज सून एज दे कम इन टू माइंड। जो समस्त पार्टिसिपेंट गोटे गोटे कंपनी रे गोटे किसी गोटे इश्यू होती। अच्छा, तो गोटे कंपनी रे जदि गोटे इकोनोमिकली जदि डिक्रीज हो ग्रोथ हो ना, तो से कौन कर गोटे मैनेजर कौन कर वर्कर्स को वर्कर्स मानक नहीं कि गोटे 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 ग्रुप एक्टिविटी गोटे कर, दैट मीन सबू से पार्टिसिपेंट माने सेठी सेठी पार्टिसिपेट करिवे एवं तांको मध्यर गोटे डिस्कसन चलिबे जे को कौन कौन कले तांकर जो प्रॉब्लमटा सॉल्व हबो, तेणु जी जहाँ समस्त जो माने इच इंडिविजुअल्स मान माइंड को जहाँ आसो से आइडिया को तांकर चिंता को शेयर करिवे, जहाद्वारा कि लास्ट रे कौन हम ना यही प्रॉब्लम रो गोटे गोटे समाधान गोटे करें, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, गोटे हूँ इंडिविजुअल आ गए ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग। इंडिविजुअल मैंने आप जानपरिथे जो डिस्कसनटा चलो क्या मध्य इंडिविजुअल मीनस वन एंड वन, ये गोटे पर्सन ये गोटे पर्सन एम मध्य जो डिस्कसन हुए जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हुए दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट, बहुत स्टडीज देखिए दैट इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोड्यूसेस मोर एंड ऑफन बेटर आइडियाज देन ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग। ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग ठारु इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग टिके बेटर होता है कहीं बिकज व्हेन यू ब्रेन स्टॉर्म मीन्स व्हेन यू डिस्कस ऑन योर ओन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर पीपुल्स इगोस और ओपिनियन। जिते तुम्हें गोटे इंडिविजुअल गोटे पर्सन सिंगल पर्सन जो सीए तार सी जो डिस्कस कर ब्रेन स्टॉर्म कर तार मैनेजर सहित कि जहाँ भी हो गए प्रॉब्लम को गोटे गोटे समस्या को समाधान करने, तो से अन्य लोक मान ओपिनियन अन्य लोक मान क्रिटिसाइज इगो को सी लक्ष्य करे ना, जहाद्वारा कि सी बेस व्यस्त हुए ना, तेणु सी ओपनली से सब जिन सेयर कै, सो दैट यू कैन बी फ्री एंड मोर क्रिएटिव, यू विल नॉट हेजिटेट। तो से टाइम से इंडिविजुअल हेजिटेट निज मध्य गोटे हेजिटेसन आसे ना, गोटे खराब लगे ना, गोटे संकोच लगे ना, से माइंड में जहाँ भी आसे सी ओपनली फ्रीली से सब जिन तार थॉट को से तार मैनेजर सहित जेकोसी व्यक्ति सहित सेयर करते कहीं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर, नेक्स्ट कहला ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन ना, व्हेन वन मेम्बर गेट स्टक विथ वन आइडिया, मीन्स एटी हूँ मोर देन अधिक सब को वर्कर्स थे मैनेजर सहित, तो जिते बड़े जड़े बै जन के वन बै वन जिते आइडिया को सेयार करेंगे, तो जिते जड़े जो अटकी जाए एनादर मेम्बर्स
क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस कैन टेक द आइडिया टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट आउ गोटे व्यक्ति गोटे तार ओपिनियन दूसरी जदि से समाधान हो पारा ना से ओपिनियन द्वारा पुणी नेक्स्ट आउ जन पुणी सी तार ओपिनियन देला जे जोटा कि गोटे नेक्स्ट स्टेज आड़ को आगे निए। सो यू कैन डेवलप आइडियाज इन ग्रेटर डेप्थ विथ ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग देन यू कैन विथ इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग। तेणु इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन हुए से गोटे पर्सन रतामत गोटे से मैनेजर टा शुनी थाए जहाद्वारा कि सी जापर जदिओ से जापारे ना जे यार किसी बेटर ऑप्शन अच्छी कि ना कि ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन हुए ना से मैनेजर मोर देन टू पर्सनस ओपिनियन शुणे भितर से चूज करे जे व्हिच विल बी बेटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बुझे हो। अच्छा नेक्स्ट कहला जे द प्रोसीड्योर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स कहे डिस्कशन तुम डिस्कशन करार कहीं डिस्कशन करे व्हाई वी आर मेकिंग डिस्कशन व्हाई वी आर मेकिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग बिकज टू सेटल और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो से प्रॉब्लम को सॉल्व करने तार छोटा तार मेथड अच्छी। फर्स्ट कहला देखो आगे आमको आगे आमको डिफाइन द प्रॉब्लम आगे आमको प्रॉब्लम को चिन्हवाई पड़ो प्रॉब्लम को काढ़ाई पड़ो प्रॉब्लम काढ़ सारापर तापर जेनेट द गोल गोटे गोल आम गोटे जेनेट करवा जे आम आम गोल कौन रोज जे आम से प्रॉब्लम को सॉल्व करिया तापर गोल गोटे जेनेट कर सारापर आम कौन करवा डिफाइन द ऑब्जेक्टिव मीन्स आम उद्देश्य रहा दरकार जे हाँ आम समाधान करवा। अच्छा नेक्स्ट कहला जे आइडेंटिफाई रिसोर्सेस विभिन्न प्रकार रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करी गोटे स्ट्राटेजी गोटे अपनवा स्ट्राटेजी आइडेंटिफाई कर सारापर लास्ट में समराइज करदे कौन कह ना ग्रुप डिस्कशन को तेणु आगे आम प्रोब्लेम काढ़े तार गोटे गोल सेट करें विभिन्न प्रकार उद्देश्य ऑब्जेक्टिव आम कौन उद्देश्य रही है आम सब मतामत सब देर गोटे रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करके स्ट्राटेजी गोटे अपनाई लास्ट को समराइज कले मीन सल्व करदे क्लीयर। लास्ट कहला एडवांटेज कौन रही ब्रेनस्टॉर्मिंग रे ना इन इट एनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग एंड इट इनएक्सपेंसिव। ग्रुप डिस्कसिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करे ना मनुष्य मान क्रिएटिविटी थिंकिंग बढ़ाए एवं एटा गोटे इनएक्सपेंसिव कौन खर्च हुए ना। सेकेंड कहला माइंड मैपिंग बहुत इंपोर्टेंट। देखो माइंड मैपिंग इज ए सिंपल टेक्निक फॉर ड्रॉइंग इनफॉरमेशन इन डायग्राम इनस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन सेंटेंसेस। माइंड मैपिंग अर्थ कौन ना यहाँ गोटे सिंपल टेक्निक कहीं आमर जो इनफॉरमेशन अच्छी ताको आम गोटे डायग्राम ड्र करके रखा इनस्टेड ऑफ राइटिंग इन द सेंटेंस। गोटे टीचर आमको पढ़ाला बेले आम जो इनफॉरमेशन पाइले आम सेंटेंस आकार न लिखिकी डायग्राम आकार रख गोटे ड्र करके रखा दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। द डायग्राम ऑलवेज टेक द सेम बेसिक फॉर्मेट ऑफ ए ट्री विथ ए सिंगल एटा गोटे गच भाया होता है देखो विथ ए सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट गोटे सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट थी अच्छी सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द ब्रांच ब्रांच मिडिल अच्छी आउट ऑफ द डिवाइडेड अगेन एंड अगेन और तरह ब्रांचेस सब कौन जाना सब डिवाइडेड सब डिवाइड एमती सब हो। अच्छा द ट्री इज मेड ऑफ वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस कनेक्टेड बाय लाइन्स एंड द लाइन दैट कनेक्ट टू द वर्ड्स आर द पार्ट ऑफ मीनिंग। जो लाइन सब गोटे सब पार्ट होगा सब गोटे ब्रांचेस कनेक्ट होती सब ब्रांच्र जो मूल ब्रांच सहित मूल सहित जो ट्री सहित तार गोटे मीनिंग थाए मीन गोटे सब गोटे अर्थ रही थाए। ओके सो बाय यूजिंग माइंड मैप्स यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट। तेणु जे ये कहला कौन आउ थे देखो जे हाँ माइंड मैप को यूज करके आम कौन करना ना क्विकली से सब्जेक्टर कौन स्ट्रक्चर रही सब्जेक्टर जो स्ट्रक्चरटा रही आम इजिली बुझीपर तक आइडेंटिफाई कर। सो तार किसी क्यारेक्टरीस्टिक अच्छे देखो फास्ट आम जे माइंड मैपिंग कला बेले कौ कौ जिन आम फोकस करा दरकार ना एटा गोटे हूँ सिंपल फ्रेज बा वर्ड आम से यूज करा दरकार जहाद्वारा कि जिते आम नेक्स्ट टाइम देखिए आम सडन आम ग्रास कर आइडेंटिफाई कर बुझीपर प्रिंट वर्ड्स रहा दरकार कलर को आम से कलर यूज करें सब सेपरेट करा दरकार सिंबल इमेजेस व्यवहार करा दरकार और विभिन्न प्रकार सब ब्रांचेस करा दरकार जमी कहली गोटे एक्जामपल देखो ये माइंड मैपिंग पर्सनालीटी डेवलपमेंट गोटे माइंड मैपिंग कराई देखो गोटे एक्जाम गोटे टीचर जब गोटे क्लास पढ़ाऊँ जे हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी पर्सनालिटी केमी डेवलप हे तेणु गोटे टीचर कहे इफ यू वांट टू मेक डेवलप योर पर्सनालिटी देन यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ लर्निंग प्रोसेस यू हैव टू वर्क ऑन योर सोशल प्रोसेस सोशल अवेयरनेस तेणु एसबू को आम सेंटेंस आकार न लिखिक डायग्राम करदे जे पर्सनाल डेवलपमेंट हम कमी ना कम्युनिकेशन स्किले या गोटे गोटे ब्रांच करके गोटे ये करदे आउ कौन हम ना सेल्फ लर्निंग एम सब कले
କଲେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟିଚର କହିଲେ ଯେ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଫିଜିକ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ, ୟୁର୍ ମସଲ ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ। ତେଣୁ ଫିଜିକ୍ର ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସବୁ କରି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ। ସର୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଆକାର କରିକି ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ। କ୍ଲିୟର? ତାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଯେ ସ୍ପିଡ୍ ରୁହେ ଏୟାର ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ରିମେମ୍ବର ଅଧିକ ମନେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଇଜି ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍ ବାଇ ପିପୁଲ୍, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଅଦର୍ସ। ମିନ୍ସ ଆମେ ସିନା ବୁଝିଯିବା ସର୍ଟରେ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିବା ବା ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ନିଏ, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଏଠି ଟିକିଏ ଚିତ୍ର ଡ୍ରଇଂ କରାହେଉଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ସୋ କ୍ଲିୟର?